आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी विनोद जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू पूजा जी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बात की जाए तो किस तरह का काम रहता है? रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा जब भी कभी कोई आपदा आई है या कुछ आई है, ये हमेशा तत्पर रहती है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। मेन कोर्सेज जो होते हैं हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी में, जो हम लोग काम करते हैं उसमें हम फर्स्ट एड ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, जो लोगों को जैसे किसी रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसको कैसे इसको रेस्क्यू किया जा सकता है, कैसे इसको इमीडिएटली इसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सकता है, ये हम फर्स्ट एड ट्रेनिंग रेड क्रॉस सोसाइटी में दिए जाती है। तो इसके लिए मतलब कि जो हमें एज़ पर गाइडलाइन जो इस समय नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली से आई हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइंस हम इनको जो है ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई भी आ सकता है, हमारे पास बड़ी कंपनीज अप्रोच करती हैं जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो भी जरूरतमंद हैं या जो जिनको चाहिए ड्राइविंग सर्टिफिकेट, जिनको अपना लेना होता है ना लाइसेंस, उनको भी चाहिए होता है ये क्या आपने फर्स्ट एड ट्रेनिंग की हुई है या नहीं की हुई है, वो लोग भी हमारे पास आते हैं और उनको भी ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हमने अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, जगह जगह जाके ब्लड के जो है वो इकट्ठा किया जाता है और वो ब्लड जो है हम फिर बाद में जीएमसी में जमा कराया जाता है। लोगों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है और जिस की जागरूकता की ज़रूरत है वो आपके द्वारा की जाती है। अभी पीछे बात की जाए, क्योंकि अगर बात करें इसकी लोगों की ज़रूरत की चीज़ों की, तो लॉकडाउन के दौरान जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, कहीं ज़्यादा मुश्किलात उनको उस टाइम पे, तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने क्या रोल उस टाइम पे? मैडम जब लॉकडाउन लगा या जो ये आपदा आई या कोविड पैनडेमिक फैला, तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोई 12,000 फैमिलीज को राहत पहुंचाई। उनके घरों घरों में जाके, बस्तियों में जाके उनको राशन दिया गया, जो जो उनकी इमीडिएट नीड्स थी वो पूरी की गई, तो उनको ये दिया गया। इवन के कई लोगों के लिए हमने एम्बुलेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड की, जो लोग बीमार हो गए कुछ हो गए उनको दिया। मुझे याद आता है कि मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक यूपी का कोई पेशेंट था, उसकी डेथ हो गई, अब उसको घर पहुंचाना था, कोई जुगाड़ बन नहीं रहा था कि इसको कैसे पहुंचाया जाए। रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने सोर्सेज से उसको वहाँ से लिया, अपनी एम्बुलेंस में दिया और उसको वहाँ यूपी में पहुँचाया, और उसको क्रिमेशन करने के लिए भी अपनी जेब से 10,000 रुपया उधर से दिए। जानकारी पहुँच पाते हैं हमारे लोगों से किस तरह से संपर्क? हमारा ये होता है कि लोगों को संपर्क करने के लिए हम तो एक तो उनके घरों घरों में भी जाके ये जो सर्विसेज जब प्रोवाइड करते हैं तो उनके पास जाते हैं। हमारे वॉलंटियर्स हैं, हर मोहल्ले में बैठे हुए हैं, हर पूरे सिटीज में, डिस्ट्रिक्ट में, सब में जहाँ वॉलंटियर्स हैं वो भी हमें खबर पहुँचाते रहते हैं भाई इनको ये चीज़ की ज़रूरत है, हम वो चीज़ मुहैया करवाते हैं। जी, तो फंडिंग की बात की जाए तो फंडिंग कहाँ से होती है? फंडिंग जो हमारी हमारा एक तो ये हमारे जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है हमारे LG साहब हैं, तो इस मेरे ऊपर हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, रिजवी साहब, वो हैं, तो हम उनको अप्रोच करते हैं, वो नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली से फंड प्रोवाइड करवाते हैं या LG ऑफिस को रिक्वेस्ट करते हैं जहाँ से भी हो सके। तो थोड़ा बहुत मतलब लोकल, हाँ हाँ लोकल मतलब कि हम लोगों को मतलब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको भी अप्रोच करते हैं कि कुछ डोनेशन के लिए, जैसे COVID-19 में हमने बड़े लोगों से डोनेशन ली, डोनेशन लेने के बाद वो जो चीज़ें सारी इकट्ठी करके हमने लोगों को मुहैया करवाई। जी, तो ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरतों को देखते हुए आपके द्वारा जो है ड्राइव चलाई जाती है। इससे पहले भी अगर बात की जाए आपके काम की, विकलांग लोगों को भी देखा जाता है, उनको व्हीलचेयर जो है वो भी मुहैया कराई जाती है, और भी कहीं कहीं जो चीज़ें हैं विकलांग लोगों को लिए, तो हम ऐसा करते हैं कि एक तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी है, हमारे उसके डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर भी हैं मिस्टर अजय जी, तो उनको साथ लेके हम क्या करते हैं कि इनको पहले हम ये क्या करते हैं इनकी वो करते हैं अपने कि इनको किस किस किस्म की ज़रूरत है, किसी को बाजू की ज़रूरत है, किसी को जाँच का असेसमेंट करते हैं, जिसकी इसकी डिसेबिलिटी असेसमेंट ली जाती है। वो आज भी हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी मतलब रेड क्रॉस सराय महेशपुरा चौक में कैंप लग रहा है, वो चल रहा है इस समय, सुबह से चल रहा है, उसमें हम असेसमेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, वो उनके साथ हैं, डॉक्टर आए हुए हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं, और अलिम्को कंपनी है एक आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो उनके साथ से वो आए हुए हैं वो भी, तो वो उनकी असेसमेंट ले रहे हैं, और आफ्टर यूँ ही जो असेसमेंट हो जाती है इनकी, जितने पेशेंट उसमें रजिस्टर हो जाते हैं जिनको क्या क्या जो चीज़ें चाहिए, किसी को फुट चाहिए, किसी को आर्म चाहिए, किसी को और कोई चीज़ चाहिए, हेयरिंग एड चाहिए या विजिबिलिटी लेवल उनको मोबाइल चाहिए होते हैं, उनको जरूरतों को देखते हुए फिर वो आफ्टर 3 मंथ्स ये सारा ये इकट्ठा करके ले जाते हैं, फिर 3 महीने के बाद वो सारा सामान लेके आते हैं, फिर वो सामान इनको दिया जाता है। नोवल कोरोना वायरस की बात की जाए तो इसकी अवेयरनेस को लेकर क्या कुछ किया गया है?
नोबल अवेयरनेस के हमने कैंप लगाए जगह जगह जाके, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहाँ जगा के भाई इनको कैसे अपने आप को बचाना है, इससे सैनिटाइजेशन कैसे की जाए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, हमने पूरा लोगों के बीच में जाके उनको ये अवेयरनेस दिया। वैक्सीनेशन ड्राइव भी जो है यहाँ पर चलाई जाती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैडम, ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। मैं वही उस बात पर आ रहा हूँ कि अब हमने मतलब कि 8 फरवरी से हमारे रेड क्रॉस सेंटर में यहाँ कच्ची छोनी में हमने ये जो वैक्सीनेशन जो सेंटर है वो शुरू किया है जी। तो वैक्सीनेशन सेंटर में क्या है कि हमारे को रोज़ यहाँ से 300 के लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन उनको होती है। तो पहले तो हमने फ्रंटलाइन वॉरियर और ये दूसरे थे जो लोग आशा वर्कर्स, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह, हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी ये लोग थे, पुलिस कर्मी, इनको पहले हमने वैक्सीनेशन की। तो टोटल आज तक हमने कोई मोर देन 5,000 लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया। 45 प्लस जो है वो लोग आ रहे हैं, लेकिन जब शुरुआत आपने इसकी की थी तब लोगों में इसका रुझान कम देखने को मिला था, लोगों को इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं था इस वैक्सीनेशन को लेकर, अब कितना ज्यादा है? क्या बहुत ज्यादा अब लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, तब भी ऐसा नहीं था जब उनको ये पता चला कि इसमें कोई ऐसी, क्योंकि हमारे सेंटर में आज तक भगवान की मर्जी है कि यहाँ कोई भी भारत की बढ़ती हुई वैक्सीनेशन है, कोई भी यहाँ एक भी बंदा जिसको कॉम्प्लिकेशन आई हो हमें नहीं मिला है। सारे के सारे सेफ हैं, सब लोग वैक्सीनेशन अब करवा रहे हैं, बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। इवन के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वैक्सीनेशन ले ली, मैंने खुद दोनों डोज ले ली है, हमारे गवर्नर साहब ने भी वैक्सीनेशन ले ली है, सब तकरीबन सब ले रहे हैं, अब तो कोई ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जब से वैक्सीनेशन आई है तब से लोगों में कोरोना वायरस को लेकर डर जो है वो कम हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आए दिन कितनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, लोग कितने ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि लोगों को ये नहीं सोच लेना चाहिए कि मैंने वैक्सीनेशन कर ली तो मैं सेफ हूँ, नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी उनको वही जो अपने गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी चाहिए, मास्क पहन के निकलना चाहिए बाहर, अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने चाहिए, हाथ वगैरह बार बार धोने चाहिए, क्योंकि बनने में टाइम लगेगा, एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगेगा, 2-3 महीने तो लेके चलो अभी, तो ये लोगों को मत सोचना चाहिए, डील नहीं बटनी चाहिए, अभी अपने आप में अपने यही रहना चाहिए कि मैं सेफ जरूर है, ऐसी बात नहीं उसने ड्रग ले ली, जो कॉम्प्लिकेशन आम आदमी को आएगी जिसने ये वैक्सीनेशन की होगी उसको उतनी ज्यादा नहीं आएगी, फिर भी अपने आप को उसने सेफ रखना है। वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री हो गया। जरूरतमंद लोगों की आपके द्वारा मदद की जाती है, अगर किसी को आपकी जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, वो किस तरह से आप तक संपर्क करे, कोई एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर या कुछ आपने जारी किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ऑफिस का नंबर हमने अखबार में भी बड़ी बार देते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा हर एक को हेल्प करने के लिए तैयार है, गरीबों के लिए, बीमार के लिए, सबके लिए, जो भी चाहिए। जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें बता दीजिए। हमारा ऑफिस का रेड क्रॉस ऑफिस का नंबर है 2573739 जी, ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दीजिए, 2573739 ठीक है। इस पे कोई भी आदमी किसी समय भी यहाँ हमें अप्रोच कर सकता है, कोई गरीब आदमी जिसको किसी किस्म की कोई जरूरत हो वो हमें अप्रोच कर सकता है, हम उसकी हेल्प के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनके द्वारा जरूरतमंद लोगों को ढूंढा भी जाता है, इनके वॉलंटियर जो है वो जगह जगह पर है, देखते हैं कि किन लोगों को किस चीज़ की जरूरत है, उसके अलावा भी अगर इनकी मदद आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, इन्होंने जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर है आप इन पर संपर्क कर सकते हैं और इनकी मदद ले सकते हैं। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी और अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जल्द अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।